भारतीय जनता पार्टी में ना कभी गुट पहले थे ना गुट अब है। टासरा जी ने आपके नेता प्रतिपक्ष बनने पर एक कटाक्ष किया है कि कुंवारी आप मर जाते ये तो आपको अंत में एक पद दिया गया, उस पर सुनील जी सोरेन अपना जो काफिला लेकर आपके साथ शामिल हुए, क्या वो बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं जल्दी? और जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयाँ। धन्यवाद साहब। आप जो नेता प्रतिपक्ष आपको पद किया गया, आपके सामने एक चुनौती है कि बीजेपी को आप कैसे एकजुट करेंगे क्योंकि अलग अलग गुट नजर आ रहे हैं, उसको लेकर आपकी क्या? भारतीय जनता पार्टी में ना कभी गुट पहले थे ना गुट अब है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर हम अध्यक्ष को व्यक्ति से ज़्यादा इंस्टीट्यूशन मानते हैं और हमारे इंस्टीट्यूशन के आज्ञा से ही हम सब लोग काम करते हैं। और मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार का शासन कांग्रेस ने दिया है, आम आदमी त्रस्त है, हर वर्ग त्रस्त है और इसका बदला लोग लेने के लिए आतुर हैं। सरकार ने बड़े बड़े वादे किए, बड़े बड़े सपने दिखाए पर एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। किसान की ज़मीन नीलाम होनी प्रारंभ हो गई और बेरोजगार के साथ जिस प्रकार का मजाक हुआ है, RPSC जैसी संस्था में पेपर चोरों को ले जाकर सरकार ने बैठा दिया, इन सब का उत्तर एक ही है, इस सरकार की विदाई रोज जनता तैयार है। डोटासरा जी ने आपके नेता प्रतिपक्ष बनने पर एक कटाक्ष किया है कि कुंवारी आप मर जाते ये तो आपको अंत में एक पद दिया गया, उस पर क्या कहना? मुझे उस पर कुछ नहीं कहना, मैं जमीनी कार्यकर्ता हूँ। एक मंडावा से सुनील जी सोरेन अपना जो काफिला लेकर आपके साथ शामिल हुए, क्या वो बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं जल्दी? सुनील जी नौजवानों के नेता है, उनका हमारे प्रति प्यार है, स्नेह है, वो किस पार्टी में कब शामिल हो गए तो निर्णय उनका है, परंतु वो ये बात सही है कि जब वो हमारे स्वागत के लिए आए तो कांग्रेस से जरूर तरसते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।